नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग कुशल पूर्वक हो। प्यारे बच्चों, हम फिर से गणित विषय में अपने घटक संख्या ज्ञान के विषय में हम नई जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था किस प्रकार से दिए गए संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, हजार और 10,000 के स्थान पर उसे हम व्यवस्थित रूप से लिखते हैं और लिखने के बाद उन संख्याओं का वाचन कैसे करना है, ये हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से किसी भी दिए गए नंबर को अर्थात संख्या को हम उनके विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपका जो पहला प्रश्न दिया गया स्वाध्याय पेज क्रम पृष्ठ क्रमांक आपके गणित विषय में 11 पर दिया गया है कि नीचे दी गई संख्याओं को उनके विस्तारित रूप में लिखो, अर्थात आपको इसे विस्तार करके लिखना है। ठीक है, तो जैसे पहली संख्या दी गई है, आप कैसे पढ़ोगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो आप इसे कैसे वाचन करते थे? 7,000 और देखो सैकड़े के स्थान पे 5 है, ये मिलकर के कितना होगा? 500 और 40 दहाई, मतलब 4 दहाई 5 इकाई, मिलकर कितना हो गया? 45। तो हम कैसे वाचन करते थे? 7,545। लेकिन प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पे वाचन नहीं करना है, हमें दी गई संख्या को विस्तारित रूप में लिखना है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाने के लिए इस संख्या को यहाँ पर लिख देता हूँ, 7,545। प्यारे बच्चों, आप जानते हो यहाँ पे जो 5 है वो किस स्थान पे है? इकाई। 4 किस स्थान पे है? दहाई। 5 ये जो संख्या वो किस स्थान पे है? नंबर में, संख्या में, सैकड़ा। और 7 किस स्थान पे है? हजार। ठीक है, तो अगर हमें इसे विस्तारित करना है तो आप इस तरह से अच्छे तरीके से समझ सकते हो। पहले आप 7 लिखो, 7 किस स्थान पे है? हजार। तो आप इसमें काम कर सकते हो, हजार से गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 7,000। ठीक है, फिर देखिए कितना है? 5। 5 किस स्थान पे है प्यारे बच्चों? सैकड़ा। सैकड़ा अर्थात 100। तो अगर हम 5 का गुणा 100 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 500। देखिए दहाई, दहाई के स्थान पर कितना दिया गया है? 4। तो आप इसमें 10 से गुणा करोगे दहाई अर्थात 10, तो ये कितना होगा? 4 दहा में 40। और इकाई के स्थान पर कितना है? 5। तो इकाई अर्थात 1, 1 से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो प्यारे बच्चों, ये आपने उसका विस्तारित रूप प्राप्त कर लिया, 7,500 और 40 धन 5 45। तो आप इसको लिखेंगे किस प्रकार से इसके विस्तारित रूप में? सबसे पहले 7,000 धन, दूसरा कितना है आपका? 500। देखिए फिर कितना है आपका? 40 धन, यहां पे कितना है? 5। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको इस दी गई संख्या को विस्तारित रूप से लिखना है। ठीक है, जैसे आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है प्यारे बच्चों, देखिए 4 यहां पर दिया गया है, आप यहां पे पुनः एक बार ऐसे आप लिख करके समझ सकते हो, 4,050। अब आप देख सकते हो आपके इकाई के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर कितना दिया गया प्यारे बच्चों? 5। और सैकड़े के स्थान पर कितना दिया गया है? 0, आप देखिए 0। और हजार के स्थान पर कितना दिया गया प्यारे बच्चों? हजार के स्थान पर दिया गया है 4। आप फिर से बिल्कुल उसी तरह से कर सकते हो जैसे हमने किया, 4 का गुणा 1,000, 1,000 अर्थात कितने जीरो होते हैं 1,000 में? 3। तो 4 का गुणा अगर आप 1,000 में करोगे प्यारे बच्चों कितना आएगा? 4,000। देखो प्यारे बच्चों, सैकड़े के स्थान पर 0 दिया गया है, अब अगर आप यहाँ पे 0 लिख करके सैकड़ा अर्थात 100, ये कितना होता है? 100। ठीक है, तो 100 से अगर आप गुणा करोगे तो आपका उत्तर क्या आएगा? 0।
अर्थात आप इसे अगर नहीं भी यहां लिखोगे तो भी चल जाएगा, केवल आप इसके स्थान पर शून्य लिख दिया। उसी प्रकार से देखिए दहाई के स्थान पर कितना है, पांच। तो दहाई अर्थात कितने से गुणा करेंगे हम लोग, दस, पांच दहा में पचास। और लास्ट में आप देख सकते हो इकाई के स्थान पे शून्य है, आप शून्य में एक से गुणा करो। और आप जानते हो बच्चों किसी भी संख्या में अगर हम शून्य से गुणा करते हैं तो हमें कौन सा उत्तर प्राप्त होता है, शून्य। तो हमने यहाँ पे देखो इस दिए गए संख्या का भी हमने विस्तारित रूप प्राप्त कर लिया। पहले कितना लिखेंगे हम प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ, 4000 प्लस यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शून्य धन। फिर कितना लिखेंगे हम, 50 धन। और फिर हम कितना लिखेंगे, शून्य। तो प्यारे बच्चों देखो दिए गए संख्या का हमने क्या कर दिया, विस्तारित रूप प्राप्त कर दिया। प्यारे बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 30 आप देख सकते हो यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000 आप देख सकते हो इसमें 5 अंक दिए गए, तो आप मिला करके इसे कितना पढ़ोगे, 65000। और ये कितना है, 100। तो हम इसे वाचन किस प्रकार से करेंगे, 65100, परंतु हमें किस रूप में इसे लिखना है, विस्तारित रूप में। ठीक है, तो हम फिर से उसी प्रकार से यहां पर लिखते, ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, इकाई, जल्दी जल्दी बोलो, ये क्या है, दहाई, ये क्या है आपका, सैकड़ा, और ये आपका क्या है, हजार। और हजार के बाद क्या आता है आप लोग को याद होगा, हाँ बहुत अच्छे, 10000। ठीक है, तो आप देखिए ये 10000 है, तो आप यहां पर 6 पहले लिखेंगे और 6 में आप हजार में कितने से गुणा करेंगे, 10000। और 10000 में प्यारे बच्चों कितना जीरो होता है, 4। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम अगर इसमें 10000 से गुणा करेंगे, ये इसका गुणा करने के बाद कितना आएगा, 6 × 6 1 2 3 4 जीरो आप लिख दीजिए इसे, ये कितना हो गया आपका, 60000। ठीक है, इसके बाद से आप देख सकते हो ये कितना है आपका, हजार के स्थान पे 5, अब हजार से गुणा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 5000। ठीक है, सैकड़े के स्थान पे कितना है प्यारे बच्चों, 1, तो 1 का गुणा आप सैकड़े में कितने से करते हो, 100 से, ये कितना बन जाएगा, 100। और दहाई के स्थान पर शून्य है, आप शून्य में किसी भी संख्या से गुणा कीजिए, आपका उत्तर शून्य प्राप्त होता है। उसी प्रकार से इकाई के स्थान पर शून्य दिया गया, अगर आप इसमें 1 से गुणा करेंगे तो आपको उत्तर क्या प्राप्त होगा, शून्य। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से हमने सफल पूर्वक उस इस दिए गए संख्या का विस्तारित रूप हमने प्राप्त कर लिया। तो अब चलो हम इसे यहाँ पे इसलिए विस्तारित रूप में लिख देते हैं। दूसरा देखिए क्या है, तीसरा देखिए, इसके बाद अगला शून्य और फिर से शून्य। अगर आप नहीं लिखोगे प्यारे बच्चों तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ा जाए या घटाया जाए उस संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप नहीं लिखोगे प्यारे बच्चों तो भी चलेगा। प्यारे बच्चों अगला आपको चौथा दिया गया है, 8000। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इकाई दहाई और सैकड़े के स्थान पे सब शून्य दिया गया है। ठीक है, तो हम इसे प्रत्यक्ष कैसे पढ़ेंगे, 8000। तो प्यारे बच्चों इसमें आप किस प्रकार से लिख सकते हो, देखिए 8000 में फिर से आपका इकाई का स्थान, दहाई का स्थान, सैकड़े का स्थान, और ये आपका क्या है, हजार। तो देखिए हजार सबसे पहले हम लोग 8 किस स्थान पे है, हजार। तो हम अगर हजार से गुणा करेंगे ये कितना आएगा, 8000। सैकड़े के स्थान पर शून्य दिया गया है, अगर आप 100 से गुणा करते हो ये भी क्या हो जाएगा, शून्य। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों दहाई के स्थान पर शून्य दिया गया, अगर आप इससे गुणा करते हो तो उत्तर क्या प्राप्त होगा, शून्य। और इकाई के स्थान पर भी हमें शून्य दिया गया है, तो
एक इकाई अर्थात एक, एक से गुणा करेंगे हमें पुनः क्या प्राप्त होगा, शून्य। तो इसका विस्तारित रूप होगा प्यारे बच्चों, 8000 प्लस कह दिया शून्य 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 धन शून्य। प्यारे बच्चों अगर आप ये शून्य नहीं लिखोगे तो चल जाएगा, परंतु आप विस्तारित रूप कर रहे हैं तो मैं कहूंगा आप लिखे, ठीक है। अगला आपको लेकर के रखा हुआ है प्यारे बच्चों 78999, लिखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, तो ये दोनों मिलके पढ़ेंगे हम लोग, कितना होगा 70878 78999, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ वापस लिखते हैं 78999, ये आपका कौन सा स्थान हो गया इकाई, ये आपका कौन सा स्थान हो गया प्यारे बच्चों दहाई, ये आपका कौन सा हो गया स्थान सैकड़ा, ये आपका हजार, और ये आपका कौन सा हो गया 10000, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम चलते हैं 10000 के साथ, सात सात किस स्थान पे है 10000, 10000 में कितनी जीरो होते हैं 4, अगर आप इसमें 4 से गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 70000, 1 2 3 4, आप 7 × 7 लिख के 1 2 3 4 जीरो लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हजार के स्थान पे कितना है 8, आप 1000 से गुणा कीजिए कितना आएगा 8000। सैकड़े के स्थान पे देखिए कितना है प्यारे बच्चों 9, तो आप सैकड़ा अर्थात 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा 900। दहाई के स्थान पर देखो प्यारे बच्चों 9 है, अर्थात दहाई अर्थात कितना 10, 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 90। और इकाई के स्थान पे प्यारे बच्चों 9 फिर से है, 9 × 9, तो अगर हम इसे विस्तारित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 70000, यहाँ पे क्या है 8000, प्यारे बच्चों अगला कितना है 900, उसके बाद कितना है 9 × 0 = 90 और 9। तो देखो हमने इसे विस्तार पूर्वक लिख लिया प्यारे बच्चों, ये तो रहा आपका विस्तारित रूप में लिखना। प्यारे बच्चों आप इसे प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं, अगर आपको ये सारी प्रक्रिया नहीं करना है तो ये आपके अतिरिक्त जानकारी के लिए मैंने आपको बताया, जिससे आप समझ सकते हो कि 6 में कितने जीरो यानी 60000 कैसे हुआ, ये 5000 कैसे हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 10000 के स्थान पर था, ये 1000 के स्थान पर था। आप इसे प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं इस प्रकार से, देखिए सबसे पहले 7 के आगे कितनी संख्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो भी चलेगा, यहाँ पे शून्य है आप शून्य लिखिए, शून्य के आगे 1 2 3, तो आप 3 शून्य लिखिए या मत लिखिए उसका कोई मतलब नहीं। अगली संख्या पे आओ कितना है 4, 4 के आगे कितनी संख्या है 1 2, आप कितना जीरो बनाओगे 2। अगली संख्या कितनी है 9, 9 के आगे कितनी संख्या प्यारे बच्चों 1, आप 1 ही जीरो लगाओगे। और अंतिम में आपको दिया गया है 5, 5 के आगे कोई संख्या है नहीं, आप कोई भी जीरो नहीं लगाओगे। प्यारे बच्चों अगर आप ऐसा करते हो तो भी चलेगा, आपका उत्तर सही जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, ये आपको ज्यादा ईजी लगेगा। उसी प्रकार से हम इसे भी देखते हैं, सबसे पहले हम लिखे 8, 8 के आगे कितनी संख्या है 1 2 3 4, आप कितनी जो बनाओगे 1 2 3 4। उसके बाद आपको कितना दिया गया है 2, 2 के बाद कितनी संख्या 1 2 3, तो आप कितना जीरो बनाओगे 3। फिर कितना दिया गया प्यारे बच्चों 7, 7 के आगे कितनी संख्या है 1 2, फिर कितना है 2, 2 के आगे कितनी संख्या है 1, आप केवल 1 जीरो बढ़ाओगे। और अंतिम में आपको 7 दिया गया है, आप क्यों का क्यों लिखिए, क्योंकि इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है तो हम कोई भी जीरो नहीं लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम संख्याओं को उसके विस्तार पूर्वक रूप में लिख सकते हैं, अर्थात विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों ये आपके पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 11 पर दिया गया है, ठीक है, स्वाध्याय, तो आप इसे
कार्य के रूप में लिख करके आने वाले शुक्रवार को ग्रुप में भेजना है। तो प्यारे बच्चों, हम अगले वीडियो में मिलेंगे, फिर से एक नए सिद्धांत और एक नए संख्या ज्ञान को हम सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।